देखिए इस समय कंजम्पशन थीम सबके रडार पर है। कल भी आपने देखा था एफएमसीजी एज अ स्पेस बाजार में आउट परफॉर्म कर रही थी। तो एक स्टॉक जिसको बहुत क्लोजली वॉच करता हूं और अट्रैक्टिव लगने लगा है इन लेवल्स पे, वो मेंशन करना चाहूंगा, ये कंपनी है वेंकीज इंडिया। अब इस कंपनी ने अपने 52 हफ्तों के लोज छुए थे 17 मई को और वहां से ये स्टॉक रिकवरी के मोड में आपको नजर आएगा। साल के हाई 3450 के और इनफैक्ट 2018 के मिड में तो स्टॉक 4500 तक के लेवल्स छुए थे, तो वहां से तो एक मीनिंगफुल करेक्शन के साथ इस समय स्टॉक कामकाज करता हुआ। और याद ध्यान रखें, इस धंधे पे बड़ा मैक्रो एनवायरमेंट का असर देखने को मिलता है, तो अच्छे दिन होते हैं तो स्टॉक रिरेट होते हैं, नहीं तो सबड्यूड पड़े रहते हैं। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन्स पर आएंगे और लगातार स्ट्रांग मोमेंटम है। ऑलमोस्ट 15% के CAGR से लगातार रेवेन्यूज में उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा आएगा तो FY19 और FY18 आपने देखा होगा प्रॉफिट में कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। ये दबाव देखने के पीछे रीजंस हैं। पोल्ट्री बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी स्क्वीज होती हुई नजर आई थी, जिसका इंपैक्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में देखने को मिला था, और लार्जली इसीलिए हुआ था कि इनपुट कॉस्ट जो थी वो कंपनी की बढ़ गई थी, खासकर पोल्ट्री फीड इंग्रेडिएंट्स में। तो जो मेस की कीमतें थी वो 45% पिछली बार के मुकाबले बढ़ गई, उसका इंपैक्ट देखने को मिला इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ी और प्रॉफिटेबिलिटी स्क्वीज हुई, फिर भी ये स्टॉक संभलने की कोशिश क्यों कर रहा है ये समझिए। इस कंपनी का EPS आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, जो FY15 में जब पहली बार स्टॉक हाईलाइट करता था 20 रुपए का EPS हुआ करता था, आज 123-124 प्रॉफिटेबिलिटी गिरने के बाद भी 123 रुपए के EPS पे, और इन EPS पे इन भाव पर ये स्टॉक ट्रेलिंग पर ही FY19 के EPS पे समय 15-15.5 के पी मल्टीपल पे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के अट्रैक्टिव वैल्यूएशन तो चले, इसीलिए स्टॉक इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले रहा है। इस कंपनी का धंधा समझिए, पोल्ट्री वैक्सीन, फीड सप्लीमेंट्स, तमाम वैक्सीन प्रोडक्शन, उसके बाद चिकन और एग के धंधे में उतरी ये कंपनी। अब तो एक FMCG प्ले तरह का हो गया है, वेंकीज चिकन इन मिनट्स, फ्राई एंड सर्व, हीट एंड सर्व, वो कोल्ड कट, प्रोसेस चिकन, ये सब बनाने का काम। इसके अलावा वेंकीज ने एक्सप्रेस स्टोर्स अपने लॉन्च कर दिए थे, जिसमें टेक अवे चिकन और उसमें तो तमाम वेज प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। लास्ट काउंट में 15 पुणे में थे, मुंबई में 3 थे, ऐसे करके काउंट कर दो 25 से ऊपर थे। फ्रेश आंकड़ा FY19 के एनुअल रिपोर्ट नहीं आई तो पता नहीं, लेकिन 25-30 आउटलेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में इस कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया है। आप लोग की स्क्रीन पर रेवेन्यू मिक्स आएगा, FY19 से अब पोल्ट्री से ऑलमोस्ट 45-50% के आसपास की कंपनी रेवेन्यू गार्नर करती है। इस कंपनी के अगर मैं वैल्यूएशंस कंपेयर करूं, वो स्क्रीन पर आ नहीं रहा, ये आ गया। कंपनियां कौन कौन सी होती थी, गोदरेज एग्रोवेट जो चिकन प्रोडक्शन में है, जुबिलेंट फूडवर्क जो रिटेल का धंधा करते हैं, अवंती फीड जो ऑलमोस्ट सिमिलर बिजनेस है श्रिम फीड का, लेकिन हैटसन एग्रो जहां पे एनिमल हस्बेंड्री का धंधा, और वेंकीज। आप कंपैरिजंस देखिए और वेंकीज जैसी कंपनी इस समय अपने पीयर से सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी रिड्यूस कर दी है, 75 करोड़ से घटकर 40 करोड़ के नीचे आ गई लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि साल दर साल 46% घटा है बुक्स पर डेट इस कंपनी के। इसके अलावा ट्रिगर समझिए, एक डेडली वायरस जिसका आपने सुना होगा पिग वायरस, अफ्रीका से चलकर यूरोप पहुंचा था और अब चाइना पहुंच चुका है, और अब चाइना से तमाम बाकी एशियन कंट्रीज में फैल रहा है। मिलियंस ऑफ पिग्स कहा जा रहा है स्लॉटर करे जा रहे हैं इस समय, और अब तो वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, हांगकांग और चाइना, इन सब में तगड़े रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और चाइना तो ध्यान रखिए दुनिया का सबसे बड़ा पोक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, $128 बिलियन की चाइना में पोक इंडस्ट्री है, और 50 साल की रिसर्च के बावजूद इस डेडली वायरस का कोई निचोड़ या तोड़ निकाला नहीं गया अब तक इस वायरस का। और अब क्या हो रहा है, दुनिया भर में बीफ और पोल्ट्री इंडस्ट्री में पोल्ट्री प्राइसेस जो हैं वो एस्केलेट होना शुरू हो चुके हैं, चिकन और चिकन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस अपवर्ड पुश होती हुई नजर आ रही हैं। तो अब उसका हालात सुधरने का इस कंपनी को फायदा मिलना है। और दूसरा, मैंने कहा था रिसेंटली फाइनेंशियल में प्रेशर इसलिए आया था क्योंकि फीड स्टॉक महंगे होने लगे थे, मेज की कीमतें, मक्के की कीमतें फ्यूचर्स में भारत में भी 2000 तक के भाव छू रही थी, अब इस समय 1820 के ऑड लेवल्स पे इस समय ट्रेड करती हुई आपको नजर आएंगी। तो इनपुट साइड प्रेशर ईज ऑफ होता हुआ और चिकन के दाम जो बढ़ने की उम्मीदें हैं, मॉनसून केरला पहुंच चुका है, मॉनसून के आने से कहा जाता है चिकन और एग का कंजम्पशन हिंदुस्तान में वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है गर्मियों के बाद, GST और अर्बनाइजेशन का खासा फायदा मिलना है इस कंपनी को। तो ये कंपनी आज तक अपने कंज्यूमर्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स की जो एपेटाइट थी, भूख थी, उसको भर रही थी, और अब लग रहा है कि जिस तरह का एपेटाइट आमतौर पर स्टॉक को देखने को मिलता है इन वैल्यूएशंस पे, ये अट्रैक्टिव बेट हो सकता है यहां से। अच्छा, हमारे साहब आशीष कह रहे हैं कि अंडे का भाव जो था ना पिछले हफ्ते वो 48 रुपए डजन था, 55 रुपए हो गया। हाँ, नहीं बोलते बोलते मुझे आवाज आ रही थी कार में, मैं समझ नहीं पा रहा था वो बोलना क्या चाहते हैं। अच्छा, आपको भी मेरे को भी आ रही थी आवाज। हाँ। देखिए डॉक्टर साहब, जो आप बोल रहे थे वो उनको भी आपकी आवाज पहुंच रही थी। अच्छा, ये जो मैं देख रहा था कुछ वीडियो पिग्स को बरी किया जा रहा है, ये वही वाले वीडियोस आप, ये बिल्कुल वही वीडियोस हैं, और आप समझिए कितनी बड़ी 128
बिलियन डॉलर की पोक इंडस्ट्री थी चाइना में, और सारे के सारे सुअर को कल करने के अलावा कोई इलाज नहीं, कल करना मतलब मार डालना उनको, तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कल करा जा रहा है। जिंदा बरी किया जा रहा है, मार के जितना पता नहीं मुझे, लेकिन सबको मारना ही एक इलाज है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो बीफ का और चिकन के दाम जो है ग्लोबली डिमांड जो है बहुत बढ़ रही है। राजेश जी, वैसे तो हम सुबह सुबह पकौड़ों की बात कर रहे थे, आप पिज्जा की बात कर रहे थे, ये बताइए ये वेंकीज पे आपके टारगेट्स क्या है? देखिए वेंकीज जिस तरह से गिरा है, ये 4,500 4,600 से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1,400 के आसपास का लो है, और 1,400 के बाद मुझे याद है आशीष ने उसको पहले एक बार भी रिकमेंड किया था 1,500-1,600 के आसपास, और कंटिन्यूस वो चल ही रहा है। सर आशीष ने इसको 250 रुपये पर सबसे पहले रिकमेंड किया था, और 250 वाला आशीष कहाँ तक गया था? पाप जबरदस्त प्रदर्शन स्टॉक ने दिखाया था, 288 पे रिकमेंड कर रहा था, तब ये 4,500 का इसने अब तक हाई लगाया है। बी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जैकपॉट में से एक था, नजर 250 से बनी हुई है, 250 से बनी हुई है, और देखिए 4,000 और उसके बाद करेक्शन के बाद अब आशीष फिर क्या पकड़े, आशीष का कॉन्फिडेंस है। आशीष मेरे ख्याल में पुणे में पड़े थे, आशीष इनके फार्म हाउस के करीब था आपका, इनके फार्म हाउस के करीब नहीं आउटस्कर्ट्स था, लेकिन काफी पास से इस कंपनी को देखा हुआ है मैंने। आप भी पुणे से ही है? हाँ पुणे से, लेकिन इतने पास से नहीं देखा था, हमारा भी शौक था। बताइए सर टारगेट्स क्या है? देखिए मुझे लगता है पैटर्न अच्छा है, कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे बाई करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 1850, पहला मैं इंट्राडे देता हूँ, 1850 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें, इंट्राडे का टारगेट होगा 2040 एंड 2080, ये आज का इसका दो टारगेट्स। जंगली शेयर है अभी, वैसे जंगली है लेकिन देखिए अगर कोई पोजिशनली रखे तो भी इसका स्टॉप लॉस होगा 1800 का। पोजिशनली देखिए मुझे बढ़िया लगता है 2160-2200 तक जाएगा, ये पहला टारगेट होगा पोजिशनली। जैसे ये 2200 का लेवल मेंटेन करेगा इसको वीकली पे ब्रेकआउट हो जाएगा, एंड इन दैट केस ये 2500 प्लस का टारगेट अनफोल्ड करेगा। तो रही बात आज की 2040-2080 जो रियल चांप है या जो बड़ा काम होगा ये 2160-2200 का इसका जो पोजिशनल पहला टारगेट है उसके बाद होगा। देखो तो मुझे लगता है कि इट विल बी अ बाय, स्टॉप लॉस छोटा है, देखिए 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं है इसमें, कुछ नहीं होगा, नहीं है, सही है, तो ये स्टॉक रहेगा रडार पर। लेकिन स्टॉक 2020 की पूरी टीम तो आपने देख ली।